ईद मुबारक। आज हम ईद उल फितर का दिन साथ साथ गुजारेंगे। तो जनाब, सुबह फजर की नमाज के बाद सब तैयार श्यार होकर बच्चों और फैमिली के साथ हम लोग पहुंच गए हैं मुल्तान में गोलबाग में। गोलबाग में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जहां पे नमाज ईद उल फितर 6:30 बजे अदा की जानी है और तकरीबन इस वक्त 6:15 हो चुके हैं। हम लोग गाड़ी पार्किंग में लगा लें और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स दोनों का ईद का नमाज का इंतज़ाम किया जाता है और माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद जो है वो लोगों की आई हुई होती है और वो सब आके मिलजुल के अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जो अल्लाह ने रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक दी। नेक नेक इबादत हमने और अब सब मिल के अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, उससे अपना तोहफा मांगेंगे कि हमने जो इबादत की है अल्लाह उनको कबूल फरमा और हमें इसी तरह आगे ज़िंदगी गुजारें। नंबर से इतने नंबर लगे हुए हमने। पार्क में एंटर हो के नमाज पे जाने से पहले आप सबको मालूम है कि फितराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने घर के अफराद हों उनमें किशमिश खजूर के हिसाब से आपने फितराना देना होता है। तो जनाब, ये हम फितराना जमा करवा दें यहाँ पे। माशाल्लाह इनके पास रश लगा हुआ। नमाज से पहले सबकी कोशिश होती है कि फितराना दिया जाए ताकि कोई भी कमी पेशी हो, रमज़ान में हमसे भूल जो कोई हो तो अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाए। तो फितराना दे के फिर हम आगे नमाज के लिए जाएंगे और हम वहाँ जाकर आपको दिखाएंगे कि नमाज में ईद के लिए कितने माशाल्लाह लोग तशरीफ लाए हुए हैं। मैं और मेरा बेटा बैठ चुके हैं और अब हम देख रहे हैं कि सब लोग तशरीफ रख के खुतबे के इंतजार में हैं, नमाज के इंतजार में। उसके बाद नमाज ईद अदा करेंगे और अल्लाह का शुक्र शरीयत का मिजाज है सब मिलके कि इंसान की जिंदगी से खुद पसंदी, एजाब और अपने आप को किसी से बरतर और बाला समझना। भाई सही मिले सब आए हैं। नमाज हो चुकी है और नमाज के बाद खुतबा भी हो गया और खुतबे के बाद सब लोग एक दूसरे को बगलगीर हो रहे हैं, ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, रमज़ान की मुबारकबाद दे रहे हैं, रोज़ों की मुबारकबाद दे रहे हैं। पंडाल में जाके पढ़ने से जो आपको ईद की फीलिंग आती है वो एक डिफरेंट ही होती है, जहाँ पे सब लोग आपके रिश्तेदार दोस्त नेबर्स हमसाए वक्त सब लोग मौजूद होते हैं और आप सब मिल के अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और एक दूसरे को बगलगीर होते हैं। यहाँ पे देखें कितने सब लोग माशाल्लाह एक दूसरे को ईद मिल रहे हैं और उसके बाद हम अपने रिश्तेदारों नेबर्स को देखेंगे सारे उसके अंदर पंडाल में और उनसे भी ईद मिलेंगे। उनसे ईद मिलने के बाद कुछ फोटो सेशंस, फैमिली के साथ कुछ टाइम भी गुजारा जाएगा। ईद मिल गया सबसे साथ से रहते होते हैं सबके। चलो आओ सबके पास चलें। ईद मुबारक। साथ साथ चलो ताकि जो है सबको मिले। सलाम अलैकुम।
सलाम अलैकुम माशाल्लाह। बाबर भी यही होगा उम्मीद तो है। हाँ शूज लेके मम्मा को चले। आओ मम्मा की तरफ चले। आ जाओ। ईदगाह में सब आए और एक दूसरे से बगल गिर ना हो तो मज़ा नहीं है। कहाँ तो यहाँ पे कुछ ख़वातीन भी हैं हमारी, सब रिलेटिव्स भी हैं, तो सब मिलके एक फ़ोटो सेशन भी हो जाता है, मुलाकात भी हो जाती है और हर किसी के इंडिविजुअली घर जाने की भी ज़रूरत नहीं। तो तमाम कज़न्स मज़े के मिलके आपस में फ़ोटो सेशन भी करते हैं। दोस्त यार अपनी पिक्चर्स भेजते हैं कि उन्होंने ईद पे क्या ड्रेसिंग की। शहर से बाहर वाले बताते हैं कि हमने क्या किया। मुल्क से बाहर वालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात की जाती है ताकि उनकी भी ईद उसी तरह ही गुजरे। तो ये कुछ फ्रेंड्स जो शहर से और मुल्क से बाहर रहते हैं उनसे भी गपशप हो गई और बच्चे उनकी तो ईद के बगैर गुजारा ही नहीं, तो ईद ही तो उनको देनी चाहिए ना। गजरे की महकती हुई स्मेल के साथ ईद ही बच्चों की फुल टाइम इन्जॉयमेंट, साथ साथ खाना तो बनता है फिर डिनर बाहर। तो सबको ईद मुबारक।